हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन इज द पॉइंट माइनस ए कॉमा बी जीरो कॉमा जीरो ए कॉमा बी एंड ए स्क्वायर ए क्यू आर कोलिनियर वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम एन ऑफ दी एवं। हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे चार पॉइंट दिए, हमें फाइंड आउट करना है क्या कंडीशन बनेगी। इसको हम यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस में हो जाएगा, ए कॉमा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी हो जाएगा। बी इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ से ए कॉमा क्या बी दिया हुआ है। सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या ए स्क्वायर कॉमा यहाँ से क्या ए क्यूब दिया हुआ है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, और जी ओ हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल टू यहाँ से क्या जीरो कॉमा क्या जीरो दिया हुआ है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हो गई, इसमें यहाँ से क्या होगा, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, यहाँ से ए हो गया। तो अगर इसको मैं यहाँ से क्या, ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से क्या जीरो हो जाएगा ओ ओरिजिन। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर इस पॉइंट को क्या हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमा बी, और ये हो जाएगा यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या ए कॉमा क्या माइनस बी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो पॉइंट, एक पॉइंट हमें एक्स वन प्लस एक्स वन कॉमा वाई वन दिया, दूसरा एक्स टू कॉमा वाई टू दिया है, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स वन प्लस में हो जाएगा एक्स टू वाई हो जाएगा टू कॉमा वाई वन प्लस में हो जाएगा यहाँ से क्या वाई टू अपान में क्या टू हो जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस में हो जाएगा ए बाई क्या टू आ जाएगा, कॉमा बी माइनस में हो जाएगा बी बाई क्या टू हो जाएगा। तो जब यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो कॉमा जीरो आ रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो पॉइंट ए होगा बी और ओ क्या होगा, आपस में कोलिनियर होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि पॉइंट ए ओ बी आर कोलिनियर। कोलिनियर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है किसका क्या है, ये जो पॉइंट बी पॉइंट ओ है, ए और बी का क्या आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका कोलिनियर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन राइट डाउन करना चाहें तो हमें दो पॉइंट दिया हुआ है क्या, अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं किसी भी पॉइंट की तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या वाई, दो पॉइंट दो पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे क्या होता है, वाई माइनस में होता है वाई वन इक्वल टू क्या होता है, एक वाई टू माइनस होता है वाई वन, वाई टू माइनस में होता है यहाँ से वाई वन डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ से एक्स टू माइनस में हो जाएगा एक्स वन इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स माइनस में क्या एक्स वन हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बाई माइनस में हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हो जाएगा बी अपान में हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस में क्या जीरो आ जाएगा। तो जब यहाँ से उसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बोलो, ए बाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या बी एक्स डिवाइड बाई ए आ जाएगा। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर है तो जो पॉइंट सी होगा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और माइनस ए कॉमा बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा। एक तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमा क्या, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमा क्या ए क्यूब है। तो इसको जब इसमें पुट करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या डी वाई हो जाएगा ए इंटू में आ जाएगा यहाँ से क्या ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा। तो b इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट q भी क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।